क्या कैमरा लुक सेंटर मैम ओनली सेंटर लुक ओनली लेफ्ट साइड मैम ओनली लेफ्ट नो 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 ओनली लेफ्ट चलो नो सेंटर नो लेफ्ट उसका सेंटर मैम लुक सेंटर उसका सेंटर ओनली राइट ये वेरी गुड ओनली सेंटर मैम सामने लाइट वाला कैमरा अगेन ओनली लेफ्ट मैम यहां पे सामने लाइट वाला कैमरा कौन सा है थैंक यू सागर के कैमरे में अभी ये सागर की तरफ थैंक यू ये सेंटर मैम मेरे फोन में देखिए मैम इधर अशोक भाई के कैमरे में देखो हंसी चाहिए मैम अशोक भाई मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कान अशोक भाई के इतना मुस्कुरा लिया कि सुलेमान मुस्कान रख लिया बच्चे अरे हिला मत उसका अशोक भाई के कैमरा में क्या अशोक भाई के कैमरा में देख लो ठीक है चलो थैंक यू एक्सक्लूसिव इधर एक्सक्लूसिव मुस्कान जी यहां पे देखिए मेरे को गुस्सा आएगा अरे कोई गुस्सा मत यार चलो हो गया वाटर के बाहर जाओ ठीक है चलो भैया रेडी हो गया आपका चलो अरे फोटो बनना अंकल पक्का मैम लुक यू मैम बहुत साल के बाद थैंक यू मेरा फोन इसका फोटो लो पाती है इधर देखो इधर कैमरा लुक ठीक है थैंक यू थैंक यू कौन सा कैमरा है अरे रुकना थैंक यू इधर सेंटर देखिए सर लुक हियर सर यार क्या लास्ट कॉल ये सेंटर लुक Good, sir, thank you. Sir, that's my son, Vida. Hi, how are you? Nice to meet you. Sir, center, Anil sir. Sir, right. Anil sir, look here. Bhai, aa jao saath mein. इनको भी बुला लो अंदर का साथ में चल लेंगे हाँ हाँ सोलो ले लो इसका चल हेलो क्या हेलो क्या सर यस भाई भैया बिल्कुल सामने सर आप बीस क्या में थैंक यू अरे सर जी नमस्कार जी आप सबको नमस्कार नमस्कार सर जी नमस्कार मेरे वजह से क्या बात है अनिल जी अभी आप उल्टा हो गया मामला मैं तो बोला था घर पर सुख ले लो अभी आपको देना पड़ेगा सब हमको हमको माल बना रहे हो आप बस ये देखिए अभी उल्टा हो गया लाल कलर का बटन है मोदी जी हमको बोल रहे आपको किधर है आपका बेटा अच्छा परमानेंट बच गया मां नहीं नहीं आपने गाना दे दिया तो वो चला गया चलिए रोल रोल करे शुरू करे सर मोबाइल सेलेक्ट करो शुरू करे बिस्मिल्लाह करे कैन आई प्लीज हैव द माइक माइक कौन सा माइक वो नहीं ये हमको अरे वो माइक क्यों दे रहे हो नहीं माइक चाहिए माइक चाहिए
खाली उनको दो, बाकी मत दो सब पहले से, उनको मत दो, खाली मैम को दो, पूछने वाले उसको दीजिए बस, वो जो छोड़ी बाइक पे क्या बोलेंगे, ऐसे बोलो ना भाई, आ जाएगी वाइस मैम, अरे साउंड आ जाएगा, चलो रोल करे, रोल है शुरू करो। A warm welcome to all of you. Never before in the history of Indian cinema has a movie been celebrated as a festival. And of course there are other grosses, but Gadar 2 is a movement, a historic milestone for Indian cinema. Viewers went to the theaters in tractors and trucks in droves singing the song. And if that isn't the demonstration of their love for the brand Gadar, what is? Today, we are here to celebrate the musical super success of the phenomenal Gadar 2. And of course, who else could have done it other than the prodigal Mithun? Yes, the amazingly talented composer has been churning out hits right from his first song Tere Bin to Murder 2 to Aashiqui 2 to Sanam Re to Kabir Singh to the recently released Bawal and now Gadar 2. He is one of the top artists on streaming platforms, having millions of streams of his songs again with his name. 1 billion and many more milestones soon. Let us move on to the distinguished panel. We have a hit machine, magician, director Anil Sharma, hitman music composer Mithun, the legendary Udit Narayan, the young rising star Utkarsh and Simrat with us. And we will have Vishal join us soon. Without much ado, let me hand the mic to the magician director Anil Sharma. माइक नहीं, माइक मत दो, माइक मत दो, साउंड आएगा जी। बोलिए, पूछो भाई। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा गदर 2 को हर जगह अपने प्यार दिया, प्रमोट किया है और हर तरह से बहुत पॉजिटिव रास्ते से आप गदर 2 को लेके गए हैं। और ये गदर जो आपकी फिल्म है अब 500 करोड़ के करीब पहुंच गई है, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्नों की झड़ी लगा दीजिए। सो वी वुड लाइक मिथुन टू से समथिंग। प्लीज कहिए मिथुन दा, के बिना मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बिफोर मिथुंदा को बोलूँ कि भाई एक मिथुंदा वो हुए थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया था, दूसरे मिथुंदा ये है, समझे ना। और मैं जब सोच रहा था कि कौन करेगा, संगीतकार बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे लगा कि मिथुन ही बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो 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 ये विनम्रता थी वो कहने लायक थी, देखने लायक थी। इन्होंने कहा भाई मैं आनंद बख्शी साहब और उत्तम जी के गानों के साथ न्याय करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा और उनको ये मेरा ट्रिब्यूट है। और सही मायने में इन्होंने उन दोनों गानों को ट्रिब्यूट दिया और अपने तीनों गाने, क्योंकि उन गानों के समक्ष अपने गाने खड़े करना आसान नहीं था, मगर हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड ही डिड इट। सो झूम झूम एंड चल तेरे इश्क में सारे गाने सुन के सब लोगों की, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री की खैरियत हो गई है। थैंक यू अनिल जी। मैं अभी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और सच में जैसे अनिल जी ने कहा कि गदर जो है वो हमारी फिल्म नहीं है, गदर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, आपकी फिल्म है। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तो रिलीज़ के पहले ही जिस किस्म का जज्बा लोगों ने गदर के प्रति दिखाया, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा कि फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हुई है और अभी और भी बड़ी हो रही है। मैं अनिल जी का को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा माहौल दिया गानों को रचने के लिए, उनको बनाने के लिए, कि जहाँ पर मैं खुल के काम कर सका और जो मैं करना चाह रहा था मुझे पूरा सही माहौल मिला। और आई थिंक बहुत एक मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि देखिए हमारा जो भारतीय सिनेमा है उसकी अपनी एक तमीज़ है, उसकी अपनी एक तहजीब है, उसका अपना एक रंग है। और मुझे लगता है कि विदेशी सिनेमा से प्रेरित होना अच्छी बात है, वो रंग भी हम उसकी भी कदर करते हैं, हम उसको भी हमने खुले दिल से शामिल किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गदर 2 जो है एक भारतीय फिल्म है, भारतीय सिनेमा का जो एथॉस है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारा जो कहते हैं सॉन्ग एंड डांस कल्चर है, अनिल जी ने कहीं पर भी ही वॉजेंट अपोलोजेटिक अबाउट इट एट ऑल, वो कहीं पर भी उन्होंने संकोच नहीं किया कि गाने जो होंगे सेकेंड हाफ जो शुरू होता है खैरियत पूरा गाना स्क्रीन पर है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है एक डायरेक्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है संगीत के ऊपर, एज अ सिनेमा मेकर सिर्फ गानों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिनेमा के उस माध्यम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं माई फिल्म हैज़ सॉन्ग्स और मैं गीतों के साथ अपनी फिल्म को प्रस्तुत करूँगा, तो ये जो कॉन्फिडेंस है मुझे लगता है ये जो
भारतीय सिनेमा का जो इतिहास है, जो काम राज कपूर साहब ने किया, जो मनमोहन देसाई साहब ने किया, जो सुभाष घई साहब ने किया, अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पायदान को अनिल जी रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान ने बता दिया कि वो उनके साथ है, क्योंकि ये फिल्म आंकड़ों से परे है। देखिए, हम 500 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है गदर का जो इमोशन है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो कहीं और ही है, वो आसमान पर ही है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ। सिर्फ मेरे, देखिए, मैंने भी अपने जीवन में आप लोगों की कृपा से मैंने सक्सेस देखा है, आशिकी 2 में भी देखा है, कबीर सिंह में भी देखा है, अनवर में भी देखा है, लेकिन ये जो उत्सव है, भारतीय सिनेमा का जो उत्सव है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग थिएटर में जो है गा रहे हैं गीतों पर, मैं निकला पर भी मैंने लोगों को नाचते हुए देखा है, मैंने दिल झूम पे लोगों को नाचते हुए देखा, चलते रहे इश्क में जो है उसकी कोरियोग्राफी की लोग बात कर रहे हैं कि शबीना जी ने कितने, वो भी देखे बहुत भारतीय तरीके से किया है, जो भारतीय सिनेमा है उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही अनअपोलोजेटिक है। मतलब कहीं पे हम लोग अपोलोजेटिक नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने ये फिल्में देखी है, हम गुरुदत्त साहब के फ़ैन हैं, हम इसी देश की सिनेमा को देख कर बड़े हुए हैं। मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का फ़ैन हूँ, मैं आरडी बर्मन साहब का फ़ैन हूँ, मैं रहमान सर का फ़ैन हूँ, इनको देखकर हम बड़े हुए हैं और बहुत गर्व से हम ये काम करते हैं। मैं उत्तम जी का फ़ैन हूँ, मैं बख्शी साहब का फ़ैन हूँ और बहुत गर्व से हमने काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि वो काम को जनता ने है जो है सराहा, उसको एक्सेप्ट किया, और आप लोग ने उसको जो इतना इतना बड़ा उत्सव बना दिया, तो इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरे भारत का धन्यवाद करता हूँ। पहले तो मुझे बहुत फ़ख्र की बात लगी, क्योंकि देखिए जैसे मैं कह रहा था कि गदर अपने आप में इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, एक दर्जे वाली फिल्म है, उसमें एक ग्रैंडर है, एक वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो आई फेल्ट वेरी वेरी ऑनर्ड कि अनिल जी कंसिडर्ड मी एज अ कंपोजर हु कुड जो उसके इमोशनल ग्रेविटास को जस्टिफाई करे, और फिर हमारे सेशंस शुरू हुए एंड बहुत आई थिंक बहुत स्मूथली काम हुआ अनिल जी, कहीं पर भी कोई भी, इट वॉज अ वेरी 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 स्मूथ फीलिंग टू डू द एंटायर म्यूजिक। अच्छा मिठू, खैरियत गाने में शायद ही ऐसा कोई होगा ऑडियंस में जो जिनके आंखों में आंसू नहीं आए हो, और उसमें डांस नहीं है, पूरा वेरी सोलफुल सॉन्ग बैकग्राउंड, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि व्हाट वाज योर चैलेंज। देखिए, खैरियत वॉज द फर्स्ट, जो पहला मेरा जो ओरिजिनल गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया गदर 2 के, सबसे पहले जो मैंने गीत इनको पेश किया वो खैरियत था, और इसके पीछे एक बहुत अनोखी कहानी भी है, वो अनिल जी बहुत अच्छी तरह। क्या हुआ था कि मैं मिथुन जी के पास गया और मिथुन जी के हमारे सेशन शुरू हुए, एक दिन हारमोनियम रखा हुआ था, आजकल तो कोई बजाता नहीं है, जानता नहीं है, तो मैंने मिथुन को बोला ये हारमोनियम ऐसे ही रखा हुआ है या बजाते भी हो मुस्करा गए, और वहाँ से अपनी कुर्सी हल्के हल्के सलटाते सलटाते खींचते खींचते मोहन के पास ले आए, वो हटाया और टंग 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 करके इन्होंने कुछ शुरू किया, एक नोट्स बजाए, कुछ जो नोट्स बजाए वो नोट मुझे इतने अच्छे लगे कि ये क्या गदर का गाना आपने पहला बनाया है, बोले हाँ, और वहीं उन्होंने खैरियत से रखना गाया इन्होंने, अरे मैं इनका कमाल है बस। वो देखिए क्या होता है, जो लगता है ना गाना हिट गाने की परिभाषा जो मुझे समझ आती है, वो पहले 5 सेकंड में अगर आपके अंदर घुस गया तो घुस गया, और अगर वो आपको 3 दफ़े सुनाने के बाद घुसा तो हिट हो सकता है विद द टाइम, लेकिन वो उतना बड़ा हिट नहीं हो सकता। तो इनका ऐसा किस्सा घटा इनका, तो बस उसी क्षण में मैंने कहा ओके, और कादरी साहब ने कमाल लिखा। सही बात। आपका ब्रीफ क्या था सर मिथुन के लिए? मेरा यही था, मैंने मिथुन को बोला कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है, और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उड़ जा काले कावा, और मैं निकला उड़ जा काले कावा, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़, हम अच्छी बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज उदित जी, और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है, फिल्म जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, क्या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई,
उदित जी की कहानी तो ये तो बरसा रहे हैं माल अभी देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं इनको ये डर लगता है कि पैसे मैं ना मांग लूं अब वो कहानी खत्म हो गई जस्ट उल्टा हो गया मामला तो ये हुआ तो फिर मैंने इनसे कहा तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है तो इन्होंने हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर को गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे कुछ चेंज नहीं करेंगे जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं कोई भी गाना बना लेते हैं पुराने गाने को रिप्राइज करते हैं और रिप्राइज वर्जन होता है उस आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दे तो उसका कोई मतलब नहीं है वो गाने हिट होते ही नहीं है वो गानों का कोई बहुत छोटा सा क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए लेकिन ओरिजिन गाने आज तक भी चल रहे हैं तो ये तय हो गया इन्होंने भी खुद कहा हम मैं वही करूँगा बस उनके साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग भी हम चेंज नहीं करेंगे आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्या कैन रिप्लेस आनंद बख्शी तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे अलका जी भी वही रहेंगी ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था नई साउंड को लाना नया सब कुछ करना ये किया और उन गान इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी देखिए इनके लिए बहुत जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी गदर टू बनाना इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना नए गानों को आसान नहीं था पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं मैं और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या है तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं चाहे वो तेरे इश्क में हो चाहे खैरियत हो चाहे दिल झूम झूम हो ये सब गाने चल रहे हैं और पुराने दो गानों की तो बात ही अलग है वो तो मैं निकला और ऊर्जा काले का हुआ वो तो लोगों के ब्लड में अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं देखिए आई थिंक चैलेंज जीवन के चैलेंज से बचने के लिए मैं संगीत करता हूँ क्योंकि जब मैं अपने स्टूडियो में प्रवेश करता हूँ तो वो मेरे लिए सुकून का पल है वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट कि दुनिया के कलेश से मैं दूर होके और अपना संगीत कर सकूँ तो मुझे लगता है जब तक वो मदहोशी मेरे साथ है जब तक वो माहौल मेरे साथ है आई थिंक मैं कोई चैलेंज या कोई प्रेशर नहीं था मैं एक्साइटेड था और मुझे लगा था कि हाँ मैं करूँगा और जैसे अनिल जी ने कहा कि जब ऊर्जा काले कावा और मैं निकला की भी बात आई तो ये दोनों गीत मुझे लगता है भारत में प्रार्थना समान है ना इसको ये प्रार्थना तो आप इसको छेड़ नहीं सकते और जितना आदर मैं इन गीतों का करता हूँ जितना मैं उत्तम जी और बख्शी साहब का करता हूँ मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं आप गीत सुन लेंगे आप अगर जाके उसके आप जो लोग आपने सब सुनाई है सुन के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कितना आदर है इनके क्रिएटर्स के लिए वो उसके संगीत में ही नज़र आ जाता है एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ वर्क वरना आज के दौर में रिक्रिएशन को लोग बड़े आसानी से स्वीकार नहीं करते पर ऊर्जा जो है वो इतना मतलब बड़ा हो गया है मैं निकला और बाकी गीत भी तो मुझे लगता है कि वो जो सम्मान एक भावना है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के ज़माने में ये शब्द भी खोते जा रहे हैं ना लोग आजकल सम्मान आदर इन चीज़ों की बात नहीं करते लोग आई थिंक हम लोग सब वायरल और स्वैग और इन ट्रेंडिंग में इतने गुम हो गए कि कुछ अल्फाज हमारे शब्दकोश में से गायब हो रहे हैं लेकिन मुझे लगता है गदर टू में वो वैल्यूज़ है गदर टू में जो बेटा है वो अपने बाप के सामने एक थप्पड़ खा के भी सर झुका लेता है मुझे लगता है वो गदर टू इज़ बियॉन्ड एंटरटेनमेंट गदर टू इज़ व्हाट इंडिया इज़ भारत की जो सभ्यता है और हमने उसी विचार के साथ और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ इसके म्यूज़िक पर भी काम किया उदित जी आप तो इटरनल वॉइस हैं आप बताइए आपको कैसे लगा यही जगह है आप सब लोग आए थे 5 जुलाई का दिन था हम लोग गदर टू के प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रमोशन लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही आप लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि वो फिल्म गदर टू सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता गया छाता गया और गदर एक प्रेम कथा भी आज 22 साल पहले आई थी उस वक्त भी यही माहौल था और आज उससे 10 गुना ज़्यादा माहौल है मतलब कितना लोग प्यार किए हैं इस फिल्म को आप यकीन नहीं करेंगे मैं भी अपनी कहानी सुनाता हूँ जब मैं पहली बार मिठुन जी को
मैंने अनिल जी को बोला कि आप यार गाना मेरा रखना आप। मैंने YouTube पे दो लाइन एक लाइन आया था तो मैं सोचा कि शायद मेरा गाना चला गया। तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, अनिल जी मेरा गाना आप रख रहे हैं ना, बोले मिठुन को फ़ोन करो। तो मैंने मिठुन जी को फ़ोन किया, बोले आप आइए पहले आपसे बात करेंगे, बैठेंगे स्टूडियो में। तो मैं इनसे मिलने गया तो आप यकीन नहीं करोगे क्या आवाहन आई मेरे दिमाग में। ये मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आज बैठेंगे बातें करेंगे। मैं बोला बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने इनको कहा कि ये गदर टू जो है माइलस्टोन होने वाली है, आप पूछिए इनको, ये सामने है। सही बात। और मैं एक दिन ट्रेन ऊपर से जा रही थी और मैं क्रॉस हो रहा था, इन हम लोग बात कर रहे थे, मैं बोला मिठुन जी श्योर शॉट है पिक्चर, और वो हो गई। तो पहले से ही खूबसूरत माहौल बनता गया और आज गदर के पूरे टीम को मैं बधाइयां देता हूं, जी को बधाइयां देता हूं, हमारे जो वन एंड ओनली डायरेक्टर हैं जीनियस अनिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और करता ही रहूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। वैसे पूरे फिल्म इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूं और करता रहूँगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मिठुन जी की बात रही तो मैं बोला मिठुन जी को कि देखिए आप यंग म्यूजिक डायरेक्टर हो, मैं गा पाऊंगा कि नहीं क्या होगा मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं आप कोशिश तो करिए, आप यकीन नहीं करेंगे, ये अगर कहीं फॉरेन में भी चले जाते थे, कहीं काम में भी चले जाते तो मैं क्या करता था, हर 15 दिन में इनको फ़ोन करता था, मिठुन जी मैं आ जाऊँ गाना करना है। मतलब ये भी सोच में पड़े थे कि यार ये छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। तो पूरे टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ और ऑफ कोर्स हमारे सुपरस्टार तारा सिंह जी, सनी देओल जी, शकीना जी, अमीशा पटेल जी, और हमारे एक बात तो तय हो गया, आपने उससे ही इनका अपने बेटे का नाम रखा, तो देखो वो पहले आपके घर में आ गया था ना, तो ये भी एक कमाल है, उससे उदित, उससे उत्कर्ष, गाना भी उसे है ऊर्जा का। और हाँ असली चीज के लिए आज जो हम लोग आए हैं ना, मैं आने से पहले सब चेक कर रहा था, 105 मिलियन ऊर्जा काले कावा का है। क्या बात है। और गड्डी 100 मिलियन के आसपास आ चुका है। क्या बात है। क्योंकि पहला गाना हम रखते ही, मतलब ये क्या क्या बोलूं, कितना शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, आप लोगों का, कि ऊर्जा काले कावा आई और 5 घंटे में कितने मिलियन थे। तो अनिल जी मुझे फ़ोन किए, तो मैंने अनिल जी को कहा कि देखिए क्या कमाल हो रहा है, ये खुशी से मतलब गदगद थे। तो बोला, इन्होंने कहा कि पिक्चर फिल्म के लिए भी, मैं बोला कोई रोक नहीं सकता फिल्म को, आप पूछिए। और जो मैंने कहा, पता नहीं क्या ईश्वर ने, वो सुन रहे होंगे मेरे बातों को या आप सब लोगों के प्रार्थना को, कि पिक्चर ऐसी हिट हुई, ऐसी हिट हुई कि इसको अभी ब्लॉकबस्टर के हैं या उससे भी कोई अगर आगे कुछ हो तो। अभी देखिए अनिल जी आप मुकरना मत, आप तो कितने पीढ़ी के लिए अंदर कर रहे हैं, एक छोटे भाई की अभी ध्यान रखना आप। हमारी नई हीरोइन है, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया हो तो आप लोगों ने देखे, एक कमाल है लाइफ में। एक चीज मैंने देखा कि जब पिक्चर सुपरहिट होती है ना तो सब अच्छे लगने लगते हैं। अभी देखिए जब पिक्चर, मतलब हम लोग कोई कोई सीन देख रहे थे तो लग रहा था कि कोई कहते थे कि अनिल जी का लड़का है इसमें, सनी जी है, थोड़ा रिस्क तो है। मैं बोला कोई रिस्क नहीं है, अगर गदर एक प्रेम कथा सुपर हिट हुई तो ये गदर टू भी उससे 10 गुना ज़्यादा हिट होगी। तो मैं बख्शी जी, उत्तम जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना प्यार आशीर्वाद उन्होंने 22 साल पहले भी दिया, अनिल जी ने दिए, और आज हमारे यंग म्यूजिक डायरेक्टर मिठुन जी ने इतना प्यार दिया। और मैंने इनको कहा कि जल्दी से आप नया कोई ऐसा गाना गाओ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि गदर एक प्रेम कथा का गाना हिट हुआ है तो अभी कोई नए फिल्म का गाना भी हिट होना चाहिए। ब्राह्मण आदमी हूँ ना, तो झूठ सच्चाई भी बोल दिया मैंने।
ताकि गाना जल्दी से आए। आता आता है गाना आपसे। मिथुन जी आपको कैसे लगा उदित जी का इमोशन देख के? नहीं मैं वही मैं बहुत प्रेरित हुआ उदित जी से, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है हम सब, मैं उत्कर्ष सिमरत, हम बड़े हुए इनकी आवाज़ सुनकर, और हमने बहुत इनको, हम बहुत प्रेरित हुए इनसे। जब मैं उदित जी से पहली बार मिला, मैं इनके उत्साह, इनके ऊर्जा को देखकर बहुत बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक व्यक्ति जिसने इतना काम किया हो, जिसने इतने सारे इन्होंने हिट्स देखे, इतने सारे दौर देखे, उसके बाद भी इनके अंदर एज एन आर्टिस्ट वो जो अच्छे काम की भूख है, मुझे लगता है ये हम यंग आर्टिस्ट को ये बात सीखनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये किसी लालच से नहीं, इनका प्रेम है संगीत के लिए, जिस कारण ये गदर टू से जुड़ना चाह रहे थे, उन गीतों को गाना चाह रहे थे। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ, मैं आप सभी लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ कि आज अगर ये गीत जिसे इतने चर्चित हुए, इतने फिर से कामयाब हुए हैं, उसमें से एक बहुत अहम रीज़न ये है, एक अहम कारण ये है कि उसमें जो आवाज़ जो है वो उदित नारायण जी की आवाज़। वाह, तो हो जाए। उत्कर्ष, अभी तक बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, बहुत कुछ अपने फीलिंग सामने बयां किए हैं, लेकिन आज म्यूजिक रिलीज की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज अभी भी रह गए हैं और आप चाहते हैं कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज आपको सुनना ही। डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं, दिल झूम, चलते रेश्क में, चलते रेश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गेटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर वन में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले दो लाइन्स पे ही थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने, क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक पीपल वर टैगिंग मी एंड सिमरत ऑन रील्स एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो कि वी आर गोइंग टू द मूवी टू वॉच द सॉन्ग सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द सॉन्ग विद द कोरियोग्राफी एंड विद द प्रॉपर साउंड। तो ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो इट्स अ टेस्टमेंट टू हाउ बिग ऑफ अ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ गदर टू इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं, बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूजिक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में, एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है, और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग रहेंगे। सईद कादरी जी, मुझे लगता है कि मैं उनको आज हमारे देश के सबसे बड़े शायरों में से एक मानता हूँ। मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, और अनिल जी जिस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बख्शी साहब के साथ काम किया, उन्होंने लक्ष्मीकांत बैरला जी के साथ काम किया है, उन्होंने बड़े बड़े शायरों के साथ काम किया, तो वो चाहे हसरत जयपुरी जी हो, राजा मेहदी अली खान साहब हो, मजरू सुल्तानपुरी साहब हो, साहिर लुधियानवी जी हो, ये जो काम, इनका काम जिन्होंने सुना है, उनके साथ काम करने के लिए आपका एक स्तर होना बहुत ज़रूरी है, और उस पायदान पे उतरने के लिए मुझे लगता है सईद कादरी साहब से बेहतर कोई हमें लेखक मिल नहीं सकता था। और उन्होंने वो पहली लाइन में ही, जब अनिल जी ने हमें ब्रीफ दिया, हमने खैरियत की बात की, अब देखिए इस किस्म के बोल जब वो लिखते हैं कि कभी तेज़ धूप उसको उस कभी तेज़ धूप उसका बदन जला ना पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर ना पाए, हो लिहाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना, हर घड़ी हर दम हाथ फिकर उसकी करना, उसे खैरियत से रखना।
तो ये जो अंदाज़े बयां है, ये जो दर्जा है ना, जैसे हम कह रहे थे कि उत्कर्ष कह रहे थे कि संगीत को लोग आज बहुत हिंदी फिल्म संगीत के ऊपर बहुत वार्तालाप करते हैं, लोग कहते हैं कि वो दौर नहीं रहा, वो मेलेडी नहीं रही, वो पोइट्री नहीं लगी। मैं लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि आप जाके सुने, आप खैरियत गाने को सुने, इस गाने में वो सारी चीज़ें हैं जो हिंदी सिनेमा के स्तंभ को रिप्रेजेंट करती है। और ये इसलिए हो पाए क्योंकि अनिल जी का वो दर्शन था और कादरी साहब जैसे राइटर आए, उन्होंने उस गाने को वो दर्जा दिया। खामोश हूँ मैं, जब बड़े बैठे होते तो उनकी सब बातें सुनी जाती है। कहने के लिए बहुत बातें हैं, उसके लिए मुझे साल लग जाएगा अगर मैं फीलिंग्स बताने लग गई अपनी तो। पर मैं इतना ही कहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहती है कि उसकी पहली पिक्चर में उसको एक डांस सॉन्ग मिले और कुछ अच्छा मिले। और मेरी तो डेब्यू मूवी में मुझे चल तेरे इश्क जैसा गाना मिल गया। ये ऐसे गाने मैंने देखे थे पाकिज़ा में, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। उसके बाद में उमराव जान में ऐसा कुछ देखा था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे डेब्यू मूवी में ऐसा गाना मिल गया और उसकी कोरियोग्राफी, उसके लिरिक्स। सो पूरी टीम ऑफ गदर टू, बस मैं इनको सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ सबको, और मेरे पास कुछ है नहीं। मैं सिर्फ सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड सबको थैंक यू। आई वांटेड यू पीपल टू सिंग काले, आप भी साथ दीजिए सब लोग साथ। लेकिन अनिल जी, गाना गाने से पहले एक बात कहूँगा। बिल्कुल, अभी आपको भी दिल में आ तो गया होगा कि अभी मेरे बेटे के लिए उदित नारायण की आवाज चाहिए। अभी आपके बेटे की आवाज भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं, वो तो लेंगे ही, उसका उसकी तो उम्र है अभी। मैं तो भी समझा करो, आपकी उम्र ये सब चलता रहता है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अभी उत्कर्ष जी के लिए मुझे गाना है, दोलन जी का म्यूजिक हो और अनिल जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो उस फिल्म का। बहुत जल्दी होगा। उड़ जा काले कावा तेरे मोच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां। ओ घर आ जा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह 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 वाह। ओ घर आ जा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। वाह। मैंने हाल ही में एक 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 रील देखा जो वायरल हुआ, जिसमें उत्कर्ष जी जो है वो दिल झूम गा रहे हैं। क्या बात है। अरे नहीं सर, हो जाएगा। एक सेकंड, उदित जी हैंडपंप निकाल के मारेंगे। उदित जी साथ दे, यू अक्षर नहीं है आप। अच्छा, आपको साथ दे रहा हूं। वो देखो हंस रही है वहां से। नहीं, वो इसलिए हंस रही है कि आपकी पिक्चर सुपरहिट हो गई। अच्छा, अभी हंसी ही हंसी है। कुछ गलत होता आप ठीक कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप सब लोग कमाल हैं। ये शोक ये शरारत ये नफाजत नजाकत, ये शोक ये शरारत ये नफाजत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं उदित जी के साथ कमाल कर रहे हैं। इनमें से How does it feel to be last words में तो जैसे सब बैठे हैं। आई थिंक जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ एक आर्टिस्ट होने के नाते नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय सिनेमा का मुरीद होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि सिनेमा जो है वो इतने महिमा पूर्वक तरीके से वापस लौट के आया है। लोग बीच में बात कर रहे थे कि
थिएटर्स बंद हो रहे थे, लेकिन वो भी एक पहलू है कि गदर 2 ने बहुत सारे सिंगल स्क्रीन्स को रिवाइव कर दिया है, वो भी जो हमारी परंपरा है। तो आई थिंक इसके बाद अनिल जी क्लोजिंग वर्ड देंगे, वो बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे हमारी फिल्म हो ओ माई गॉड 2 की हम बात करें, जिलर की बात करें, मुझे लगता है कि सिनेमा का जो ये महिमा वाला रूप है, ये देखकर हम सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी फिल्म का ऐसा इतना साथ दिया। और फाइनली आई थिंक अनिल जी आप क्लोजिंग वर्ड। बस मैं तो यही कहूँगा, ये जो अगस्त का महीना आया है ये एक्चुअली फिल्मों के मौसम का महीना आ गया है। ये जो इस महीने में पूरे भारत में जो फिल्मों ने जो कमाई की है, जिस तरह से ऑडियंस थिएटर में गई है, क्योंकि फिल्में कुछ वर्थ थी, देखने लायक थी, कोई 100% देखने लायक थी, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 200%, तो उन फिल्मों को देखने लोग गए। तो पूरे 100 साल में अगस्त के महीने में जितने कलेक्शन हुए कभी नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि भारत की फिल्म थी, भारत के लिए बनी थी, और जब तक हम भारत के लिए फिल्म बनाएंगे भारत के लिए बनी रहेंगी। और मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट किया, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ कुछ लोग हैं जो सिर्फ पिक्चर को, जिनका काम ही है कि उल्टा सीधा बोलना, किसी की भी पिक्चर हो, कोई भी पिक्चर हो, लेकिन फिल्मों में बहुत पैसे लगते हैं और इंडस्ट्री बहुत ही एक अलग तरीके से गुजर रही थी, एक बहुत ही ढलान के तरीके से गुजर रही थी। इस वक्त सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी है मीडिया की, कि हम फिल्मों को क्रिटिसाइज ना करके उसकी मेहनत को, उसकी मेहनत को सपोर्ट करें और ऑडियंस को प्रेरित करें आने के लिए। और फिल्म मेकर्स का भी ये काम है कि भारत की फिल्म बनाएं, भारत के लिए फिल्म बनाएं, ताकि पूरे भारत के लोग उसे देख सकें, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए फिल्म नहीं बनाएं और एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाएं। और क्योंकि एंटरटेनमेंट करने ही पब्लिक आती है, पब्लिक इतनी परेशान होती है, वो अपना जो 200 रुपया लेके आती है वो चाहती है कि वो 200 रुपया वसूल हो, 200 का 1000 मिल जाएगा गदर में, जैसे उनको मिल गया तो बहुत बाग बाग हो जाएगी, 200 का 200 भी मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे। तो हमें फिल्मों को ऐसे ही प्रोत्साहन दें। और जो अगस्त का महीना आया, ये सितंबर का भी, अक्टूबर का भी, और हमारे महीने, हमारे बरस, हमारे आगे वाले दौर फिल्मों के मौसम बन जाएं, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। और आप लोगों ने जो फिल्मों को सपोर्ट किया है, स्पेशली गदर को और बाकी दूसरी फिल्मों को भी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियंस को भी और मीडिया को भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक लास्ट आपसे पूछना है, गदर 3 अवार्ड नॉमिनेशन के लिए आपको मतलब कॉन्फिडेंस है ऐसे मुझे बताया गया तो? नहीं नहीं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ऑस्कर में इसको नॉमिनेट कर दूँ, तो मैं सोचता हूँ खेल तक देखता हूँ, मेरे को तो आज तक अवार्ड मिला नहीं शायद इस बार। पिछली गदर में, जब पिछली गदर में मुझे अवार्ड नहीं मिला, तो मुझे लगा मैं जो अवार्ड देने वाले लोग हैं वो उनका जो मानक है, उनका जो मापदंड है, उसमें मैं फिट नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं लंदन में था, कैनेडा में था, उदित जी के मेरे को फ़ोन आते रहे कि 11 नॉमिनेशंस हुए हैं आपको नेशनल अवार्ड में, और फ़ोन आते रहे। बाद में गदर को तो कुछ मिला नहीं, एक भी अवार्ड नहीं मिला, 11 नॉमिनेशन थे। तो भाई ठीक है, अब शायद इस बार लोगों के मन बदल जाए, दे दें हमें, क्योंकि हमको तो इस लायक समझा ही नहीं, लेकिन शायद बदलती दुनिया में, बदलते हुए दौर में शायद लोग बदल गए हों, जो आज जो लोग बैठे हैं वो लोग उनकी सेंसिबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया हो और अब वो हमें कुछ एक आध अवार्ड दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। अवार्ड कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, ये झूठी बात है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अवार्ड से ज़्यादा रिवार्ड पब्लिक दे रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी भी अवार्ड्स अभी आने वाले टाइम में हैं, वो सारे अवार्ड्स अनिल जी को मिलेंगे, ऑस्कर अवार्ड भी मिलेगा, नेशनल अवार्ड भी मिलेगा। मैं तो ये भी प्रे करता हूँ कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलेगा। वाह 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 जी जी, क्योंकि फिल्म ऐसा बनाया है आपने कि ये बॉलीवुड को दोबारा आपने खड़ा किया है, इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। चलो सोलो सोलो, थैंक यू। गदर 3 सर प्लान है सर, प्लान है सर, गदर 3 का अन्य सर प्लान है कि नहीं? गदर 3 का प्लान है सर, गदर 3 का प्लान है। अरे 3 साल तो दो मेरे को, 3 साल सर, 22 साल दीजिए सर, पहले दो बनने के लिए 3 साल सर। उसमें उदित जी गाने वाले हैं। हाँ उदित जी का है कि नहीं? ऊर्जा तो आएगा, उदित के बिना कौन होगा? मैं आपको बताऊँ, ऊर्जा नहीं भी आएगा ना तो अनिल जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। इनको पता है कि पहला गाना से ही बूम हो गया था पिक्चर, ये तय है।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मिठुन जी का देन है, आप सबका देन है, लेकिन ऊर्जा काले कावा लाया और मतलब मिलियन का मिलियन शुरू हो गया था। ये से गलती का इंतजार है क्या लोगों को? हाँ सर, अच्छा सचमुच इंतजार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तू भी कंटिन्यू ओके है सर ना, होगा सर ना, थैंक यू। पार्ट 3 तीन साल मुस्कान जी थोड़ा क्लोज आइए, फोटो कौन ले पाएंगे? मिथुन सर सर यहाँ पे भी जो बोलना है बोलना अभी आपको। थैंक यू, ओके सर, ओके थैंक यू सर, चलो बाय बाय। सर आपके बिना कैसे, अपन बाद में सोलोस मार लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जैसा करो। थैंक यू मैम, थैंक यू, यस ओके, चलो ठीक है, सोलोस लेते रहो।